आज की वीडियो में मैं आपको 216 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये कुछ आपके प्राइम नंबर हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती है, उसी तरह मैंने 216 की भी दो ब्रांचेज बनाई। लेफ्ट साइड आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे आपकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 2 × 108 216 होता है। राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 2 × 54 108 होता है। अभी भी राइट साइड आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 2 × 27 कितना होता है? 54 होता है। ये भी अभी आपका राइट साइड आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 9 = 27 राइट साइड प्राइम नंबर नहीं आया। 3 × 3 = 9 राइट साइड आपका प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे आपकी फैक्टर ट्री क्लोज होगी। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही गलत, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम। लेफ्ट टू राइट चलने पे आपको सभी के सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। तो इसका रिजल्ट 216 ही आया। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। एंड 3 × 2 एंड 3 × 3 216 के प्राइम फैक्टर्स होंगे।